दिल्ली में संगठन की बैठक में शामिल होकर सीएम साय रायपुर लौट आए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम ने कहा कि समय पर विस्तार होगा। कल छत्तीसगढ़ के बीजेपी के सभी सांसदों के साथ बैठक थी और इसमें राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मीटिंग में शामिल थे। दिल्ली में नीट के छात्रों के प्रदर्शन पर सीएम साय ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में सख्त है। एचआरडी मिनिस्टर कह रहे हैं कि कोई भी दोषी बचेगा नहीं। कल हमारे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित सांसदों के साथ बैठक था और ये बैठक परिचयात्मक था और इसमें हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और श्री शिव प्रकाश जी जो उपस्थित थे और हम लोग यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष भी गए थे, हम भी गए थे। सर, जब जब दिल्ली आप जा रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो जाती है, क्या कुछ चर्चा तो आप लोगों में ज्यादा होती है वो तो समय पर होगा ही। सर, विधानसभा से नीट की बहस को तैयार नहीं है सरकार, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। अब उसमें तो बोल रहे हैं हमारे मंत्री एचआरडी मिनिस्टर की बक्से नहीं जाएंगे, कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो भी रही। कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। दीप्ति सिंह अमरुण साहब ने कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये बुरी तरह आपस में ही लड़ने वाले हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि हार का ठीकरा ये किसके सिर पर फोड़ते हैं। अरुण साहब ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा एक ही परिवार के लिए काम किया है, जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, जिस प्रकार से आपस में विवाद चला है, तो ये आपस में लड़ने ही वाले हैं। देखने वाली बात तो केवल इतना होगा कि इस बुरी तरह से हार का, चाहे वो विधानसभा का हार हो, लोकसभा का हार हो, ठीकरा किस पर फूटेगा, ये देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस ने कभी जनता के लिए, प्रदेश के लिए राजनीति नहीं की। एक परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए राजनीति ये करते हैं तो कांग्रेस से। कांग्रेस की समीक्षा बैठक में नाराजगी जैसी कोई बात नहीं हुई, ये कहना है पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता शिव डहरिया का। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी लोगों से चर्चा हुई है, पार्टी में कोई भी कमी है तो उसे पूरा करने पर चर्चा हुई। मीटिंग में वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलने पर चर्चा हुई और आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बात हुई। कांग्रेस की फैक्टिव फाइंडिंग कमेटी आज बिलासपुर के दौरे पर है। चर्चा हुई है, पार्टी में कहीं कोई कमी रहती तो उस पर विचार किया जाता है, उसको दूर करने काम किया जाता है और यही किया गया। कहीं कोई इस तरह की व्यक्तिगत किसी की शिकायत नहीं है और संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, पार्टी को चुनावों के लिए किस तरह से आगे तैयार करके रणनीति तैयार किया जाए, सभी लोगों को लेकर कैसे काम किया जाए, इस पर चर्चा हुई है। देखिए, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है और संगठन में कहाँ कमी रही है उन चीज़ों को वहाँ पे रखा जाता है और इस तरह की कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, किसी को दरकिनार नहीं किया गया था। हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, सभी को लोगों को सहयोग लिया गया था। अब चुनाव में हार जीत होती रहती है, उसकी समीक्षा होती है और आगे अच्छा किया जाए उसके लिए विचार भी किया। और खबर इंदौर से, जहां छत से कूदी युवती का सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुका है। सुसाइड से पहले युवती का सीसीटीवी वीडियो सामने